ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है और आज के दिन मैं पूरे त्रिपुरा के लोगों को एक ही चीज़ अपील करना चाहता हूँ कि त्रिपुरा और हमारा जो इतिहास है वो बहुत पुराना है और ये इतिहास को अगर हम रखेंगे अपने साथ तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़िंदगी में अगर आपको कुछ भी करना है तो अपना अस्तित्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये प्रमाण है खर्ची पूजा, केर पूजा, हमारा जो फेस्टिवल्स होता है, ये प्रमाण है कि त्रिपुरा एक ऐतिहासिक किंगडम था और आने वाले दिन में अगर हमें आगे बढ़ना है, एक साथ बढ़ना है, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जड़ कहाँ से है। आर रूट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी प्राउड ऑफ आर कल्चर, प्राउड ऑफ आर हिस्ट्री एंड नेवर फॉरगेट दैट वी आर अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन। वी आर नॉट एन इन्वेंशन इन द लास्ट 10-15 ईयर्स और लास्ट 70 ईयर्स, वी आर मच ओल्डर देन दैट। यही मेरा मैसेज। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। फ्रॉम EDC हमने यहाँ में हमारे जो गालिम है और चांताई है उसको मंथली स्टाइपेंड देने का अनाउंसमेंट कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि अगर हम अपना नेक्स्ट जनरेशन को रखें तो उनके जो हमारे गालिम और जो हमारा चांताई का परिवार है उनको भी कुछ सुविधा मिलना चाहिए। तो इसी के लिए हमने पहले उनको एक मंथली स्टाइपेंड देने का अनाउंसमेंट किया है और वो हम करेंगे। और अगर नेक्स्ट जनरेशन को आना है तो उनको भी समझना चाहिए कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोगों जो त्रिपुरासा लोग हैं, हम लोगों का कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। तो ये प्रमाण है कि हमारा कल्चर बहुत पुराना है और आज हमारा परिस्थिति कुछ भी हो, आज हम लोग गरीब हो, आज हमारे पास इतना पैसा सुविधा ना हो, लेकिन ये कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये एक त्रिपुरासा किंगडम था और यहाँ के राजा, यहाँ के पूर्वजों, आपके माँ बाप लोग, आपके दादा लोग एक हानि बसा थे और ये हमारा अस्तित्व है, इसको हमको भूलना नहीं चाहिए। अगर ये भूल जाएंगे तो तब सब हमको हमारा भविष्य भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने गालिम और चांताई के लिए अभी मंथली स्टाइपेंड शुरू किया है और इसके बाद जैसे हमारे पास और पावर आएगा, जैसे हमारे पास और सुविधा आएगा, हम करेंगे। लेकिन हमारा और मेरा ड्यूटी है कि अपने लोगों को पहले रक्षा दे, उसके बाद सबके